बात करेंगे मध्य प्रदेश की। सूबे में किसकी सरकार बनेगी और किसे 5 साल का इंतजार करना पड़ेगा? मतदाताओं ने अपना फैसला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम में कैद कर दिया है और ये ईवीएम का पिटारा 3 दिसंबर को खुलेगा। विधानसभा चुनाव की मतगणना 3 दिसंबर को होगी, लेकिन इससे पहले ही एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए हैं, जिसके बाद से एग्जिट पोल पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बीजेपी स्पष्ट बहुमत के साथ में सरकार बना रही है। वहीं नरसिंहपुर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा है कि हम 2003 को फिर से दोहराएंगे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस की तरफ से भी चुनाव जीतने के दावे किए जा रहे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस को 130 सीटें मिलने की बात कही। हालांकि अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल में बहुत ज़्यादा अंतर तो नहीं है। सभी सर्वे एजेंसियों ने एग्जिट पोल्स में पब्लिक का मूड बताने की कोशिश की है। चुनाव अभियान प्रारंभ हुआ था उस दिन से लेकर मतदान तक मेरा वाक्य नहीं बदला। आप उठाकर मेरी बाइट देख लीजिए, मैं कहता था कि 2003-2023 में दोहराएगा और अभी भी मैं अपनी बात पर कायम हूँ।